रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.8 हमने मुकम्मल कर ली थी फैक्टराइजेशन वाली, तो इसके साथ ही चैप्टर भी खत्म हो गया, लेकिन रीव्यू एक्सरसाइज के हम जो है ना वो लाजमी करेंगे, ताकि एक दफा सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो रिकॉल हो जाए आपको सारे एक दफा जेहन नशीन हो जाए। तो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 8 की, इसका क्वेश्चन नंबर 4 से ये स्टार्ट होती है। ऊपर इसकी ब्लैंक्स है और MCQs है जो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी 8 की, ठीक है। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फैक्टर्स आपने बनाने हैं, वही तरीका कर रहा है फैक्टर्स का। तो ये लिखा 10a² - 200a4b। तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए आपको बताया गया है कॉमन लेके आपने करना है। कॉमन लेने का तरीका आपको बताया है, सबसे पहले वेरिएबल्स के नंबर देख लें 10 और 200, मतलब ये एक टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, तो वो आपका कॉमन आ गया 10। उसके बाद आपने जो वेरिएबल है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। यहां पर ए स्क्वेयर है, यहां पर ए फोर है, तो स्मॉलेस्ट पावर है ए स्क्वेयर, ये आपका बेटा कॉमन आ गया सबका, इनमें से दो टर्म्स में से ये आपका कॉमन आ गया। उसके बाद आप लोगों ने जो है ये जो चीज कॉमन आ गया तो वो आप लोगों ने ये साइड पर लिख लिया, बाकी आपके पास बचा यहाँ पर 1 माइनस। तो आप लोगों का जो है वो आगे 200 आपने देखना कि किस टेबल पर जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो ये 20 पे यहाँ पर आ जाएगा 20। यहां से आपके दो एक ए स्केयर बाय कॉमन आ गए, यहां से दो आपके माइनस होंगे तो ए स्केयर बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं दोबारा को बता रहा हूं कि ये आपके पास दो टर्म्स थी, दो टर्म में से आपने कॉमन लेना था। पहले नंबर देखा 10 200, एक टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, वो टेबल है 10, नंबर आपका कॉमन आ गया। फिर आपने स्मॉलेस्ट पावर कॉमन देखी, ये ए स्केयर है, ये ए फोर है, तो ए स्केयर आपकी कॉमन आ गई, ये सारा तो आपका कॉमन आ गया। इसकी जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, माइनस का साइन लगाया, तो 10 20 था 200, यहां से आपने जो पावर कॉमन ली उसमें से वो पावर आपने माइनस भी करनी है, तो वो ए स्क्वायर आ गया और बी साथ में वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ 36x³y³z-27x²y⁴z + 63xyz⁴। अब आप इसको गौर करें तो सबसे नंबर देखें 36 27 63, तो ये आपने चेक करना है कि कौन सा टेबल जो है वो आप इसके लिए मौजूद है। एक ये तीनों नंबर एक टेबल पे आ गए तो वो 9 है, ठीक है, वो आप 9 को सबसे पहले लिखेगा बाय पावर। उसके बाद आप चेक करें xyz, मतलब xyz का वेरिएबल तीनों में मौजूद है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है इसकी स्मॉलेस्ट पावर, ये सबसे छोटी पावर कहां कहां होगी, ये सारे क्यूब है, ये स्क्वायर है, वाई है, जी है, तो ये एक पावर ये है सबसे छोटी, एक ये है और एक ये है, मतलब 9xyz आपका कॉमन आ गया। अब जहां पर आपने कॉमन लिया है वहां से वो पावर आपने माइनस करनी है, एक्स वाई जी, यहां से आपने एक एक एक्स वाई जी जो है वो माइनस करना है, और 36 आता है 9 4 36, यहां से एक x माइनस होगा तो एक्स स्क्र, एक y माइनस होगा वाई स्क्र, और ये जी स्क्र माइनस 9 3 27, यहां से भी एक x माइनस होगा, यहां से भी एक y माइनस होगा तो वाई क्यूब, ये z आपका कॉमन आ गया, ये हम नहीं लिखेंगे, प्लस 9 7 63, तो ये एक्स वाई आपका कॉमन आ गया और z में से एक आपका माइनस होगा तो जी क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपका आगे थर्ड पार्ट है, वो भी इसी मेथड से एक नंबर आपका कॉमन आ जाएगा और बाकी आप जो है वो अंदर लिख देंगे इसको। ये लिखा हुआ है जी 15x4y + 21x³y² - 27x² y² - 33xy4। तो सबसे पहले तो आप देखेगा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो नंबर इसमें आ रहा है 3, ठीक है, 3 को हमने ले लिया कॉमन। उसके बाद आप xy, xy, xy और xy, मतलब xy तीनों में चारों में मौजूद है, लेकिन आपने ले लिया सबसे छोटी पावर के जिसके पर सबसे पावर कम से कम है 1 है, आप ऐसे समझ लें, इधर से ये y, इसके ऊपर एक पावर 1 है
और इधर से ये x है जिसके ऊपर एक पावर है, बाकी सबके ऊपर पावर है, तो एक्स फाइव कॉमन आ गया। अब अंदर ब्रैकेट में आप लिखेंगे फाइव, थ्री इधर 15 होता है, इधर से एक एक्स माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आपका कॉमन आ गया, वो आप नहीं लिखेंगे, एक एक्स माइनस होगा तो क्यूब आएगा, प्लस थ्री सेवन जार 21 होता है, इधर से एक एक्स माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर, एक वाई भी माइनस होगा तो खाली वाई आ जाता है। उसके बाद थ्री नाइन जार 27 होता है, नाइन आ गया और एक एक एक्स माइनस होगा तो एक्स वाई आ गया, माइनस थ्री इलेवन जार 33, तो ये आपके पास आ गया वाई क्यूब, ये आपका आंसर ठीक है जी। ये था इसका आपका थर्ड पार्ट, आगे इसका आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो गिवन आपके पास x इंटू ए स्क्वायर प्लस 11 माइनस 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस 11। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व है, आपने जस्ट इसका आंसर लिखना है। वो कैसे, ये देखें ए स्क्वायर प्लस 11, ए स्क्वायर प्लस 11 ये कॉमन आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस 11 आपका कॉमन आ गया और रिमेनिंग आपके पास x माइनस 16, ये जस्ट आपका आंसर आ गया सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अब आपका जो लास्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपने जस्ट उसका आंसर दे दिया, एक्स स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी प्लस एक्स वाई इंटू ए बी प्लस सी प्लस जी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी और ए बी प्लस सी ये आपका कॉमन आ गया, तो ए बी प्लस सी आपने कॉमन लिख लिया। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स वाई और इधर से जी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो था वो फोर आज हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसके आपके कितने पार्ट बनते हैं, फाइव पार्ट बनते हैं, ठीक है। ये फाइव पार्ट आप प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ आप इसको अपनी कॉपीज पे नोट भी करेंगे, प्रैक्टिस आप टेस्ट की लास्ट में करनी है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। शुक्रिया।